नेचुरल नंबर, होल नंबर, वेरी गुड. इंटीजर्स, तो नेचुरल रेशियो नंबर, नंबर. इंटीजर्स, रेशियो नंबर. वेरी गुड. तो फर्स्ट वी स्टार्ट नेचुरल नंबर्स. चलिए थोड़ा सा एक्चुअली बेटे क्या है ये नंबर सिस्टम, आप 11 12 तक पढ़ो, हर क्लास में आपके पास कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा. अभी आप ये पढ़ रहे हैं रियल नंबर चैप्टर वन, चैप्टर वन ही आप 10th में पढ़ेंगे रियल नंबर्स. फिर चैप्टर टू आपने पॉलिनोमियल्स अगर पढ़ा है तो चैप्टर टू आप पॉलिनोमियल्स 10th में भी पढ़ेंगे. और यहाँ पे आप रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, फिर आपके पास अभी अभी आपको सिर्फ रियल ही पता है, रियल नंबर्स यही हम पढ़ रहे हैं. तो सम इमेजिनरी नंबर्स वी विल डिस्कस इन 11th. तो ये नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा है, और अगर आप नंबर सिस्टम को देखेंगे अच्छे से करेंगे तो कुछ कॉम्पिटिशन ऐसे हैं जिनमें आर्थमेटिक यूज होता है, वहाँ पे ये नंबर सिस्टम यूज होता है. स्पेशली IIM, अगर हम MBA की बात करते हैं तो ये वहाँ तक काम आएगा. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम विद प्रॉपर्टीज इन नंबर सिस्टम्स को पढ़ेंगे जिससे कि डिटेल में हम इसको डिस्कस करते जाएं. बताइए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? वन. वन. Yes. वन, सर. लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? इन्फिनिटी. 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 There is no larger number, है ना? It is not defined. ठीक है. तो हमारे पास हो गए natural numbers. Natural numbers के पास किसी बच्चे ने कहा था कौन से numbers होते हैं बेटे? Whole number. Whole numbers. What is the difference between natural numbers and whole numbers? Natural number में one से start होता है और whole number में zero से. तो आप ये कह दीजिए, if we add zero in natural numbers, then it becomes whole numbers. ठीक है? Just extra zero will be here. तो बेटे अगर जीरो आप इसमें ऐड कर देंगे इन द सेम ग्रुप, तो नाउ इट बिकम्स होल नंबर्स विद जीरो विद नेचुरल नंबर्स. ठीक है. अब देखो मैं इसी पे एक छोटा सा, बिकॉज अब आपके यहाँ MCQs आने लगा है और कुछ बच्चों का इंटरेस्ट रहता है पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस देने का या अलीगढ़ में जाने का, शिफ्ट होने का, तो ये कॉम्पिटिशन्स में आते हैं. तो मैं अगर आपसे पूछूँ, आर द ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स? यस सर. यस सर. यस सर. And are the all whole numbers are natural numbers? No sir. No sir. क्योंकि natural number में zero नहीं होता. Very good. तो हमारे पास ये आपका whole numbers आ गया बेटे. शाबाश. Whole numbers. अच्छा, एक बच्चे ने कुछ और कहा था. Integers. Very nice. What are the integers? Sir, negative and positive number तो जब हम वो करते हैं. Negative of what? कोई बता सकता है? Positive. Negative of what? मैं आपसे कह रहा हूँ नेगेटिव ऑफ व्हाट? नेचुरल नंबर्स. वेरी नाइस, शाबाश बेटे. नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, विद होल नंबर्स. या आप ये कह सकते हो नेचुरल नंबर्स नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स या नेचुरल नंबर्स आर बिकम्स इंटीजर्स. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये बस है. तो ये हमारे पास हो गया इंटीजर्स. अगर आप देखेंगे तो मैं बॉक्स के अंदर बॉक्स बना रहा हूँ, तो उससे आप ये कह सकते हैं कि ब्लैक के अंदर ग्रीन है. तो इफ इनसाइड द ब्लैक देयर इज ग्रीन, इट मींस ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर. अंदर से बाहर की तरफ तो हम कह सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ हम नहीं कह सकते. ठीक है. जो नेचुरल है वो ग्रीन भी है, बट जो ग्रीन है वो नेचुरल रेड नहीं है. ये हमारे पास समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? चलो, इंटीजर्स के बाद क्या आएगा? रेशनल नंबर. रेशनल नंबर. वेरी नाइस. रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करोगे आप? नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डजंट इक्वल टू 0. वेरी नाइस. बट अगर मैं बेटे रियल लाइफ में पूछूं पी बाय क्यू क्या होता है, तो आप कैसे नंबर्स मुझे बताओगे एग्जांपल के तौर पे? सर, कोई भी नंबर जिसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर. आप मुझे बोलो which number, which type number, what type number? One by two. शाबाश. Two by four, कुछ भी. Yes, fractions. ठीक है, सीधा सीधा बोलिए बेटे. Fraction, one by two, positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. और कोई बच्चा बताएगा और किस तरह के numbers? P by Q, देखो, there are two things. One is the definition, proper definition for the proper terminology. लेकिन the real life example, किसी कोई बच्चा कहने लगे, कोई parents कहते नहीं मुझे तो बताओ, what are the rational numbers? तो यू हैव टू गिव सम एग्जांपल, तो आप उसको समझ में आओ कि अच्छा ये वाले नंबर्स होते हैं रेशनल लाइक दिस. तो कोई और बच्चा इसमें कुछ और ऐड करेगा? पी बाई क्यू जस्ट फ्रैक्शन को बोल सकते हो आप, बट कैन यू ऐड सम मोर नंबर्स कि व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड रेशनल?
डेसिमल डेसिमल नंबर्स बेटे वो तो होते हैं बेटे, वो तो दो ऑल आर नंबर डेसिमल नंबर बेटे एक्चुअली 2.5 अगर मैं लिख दूं बच्चे ठीक है 0.5 में लिख दूं माइनस में लिख दूं बेटे -0.3 तो दीज आर आल्सो रैशनल जो ऊपर लिख चुके वो तो लिख ही चुके उसके अलावा हम एड ऑन कर रहे हैं तो ये भी बेटे इसी में आ जाते हैं तो सारे अगर जो हमने अभी लिए हैं मतलब इंटीजर्स इंक्लूडिंग डेसिमल्स कह लीजिए या फ्रैक्शन कह लीजिए ठीक है ये वाले तो दे बिकम्स रैशनल अभी करेंगे इनको डिफाइन जो आपने कहा अच्छा इसमें यहाँ पे अगर आपने कभी देखा हो एक तो मैंने लिख दिया 2.5 क्या कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं बेटे 2.5555 तो उनके ऊपर बार लगा देते हैं जो रिपीट करते हैं यस वेरी गुड 2.5 बार तो ये बेटा हमारा हो गया रैशनल नंबर अच्छा बताओ इसके अलावा और कौन से नंबर्स होते हैं रियल नंबर नहीं कुछ और भी होते हैं बेटे सोचो इरेशनल नंबर यस शाबाश अब आपने सोचा यस इरेशनल नंबर बेटे ठीक है तो क्या ये इसी का पार्ट है या कुछ अलग नंबर्स हैं जो हमने ये लिखा है जी बेटे जो हमने अलग, अलग होते हैं हाँ बिल्कुल ध्यान रखना बेटे ये जो होते हैं नंबर्स ये बिल्कुल अलग होते हैं ये लेते हैं तो दे आर डिफरेंट सेट डिफरेंट नंबर्स तो ये बेटे हमारे पास है और इसका कोई एग्जांपल देगा बच्चा मुझे कोई सर पाई पाई ओके पाई इज इरेशनल चलो ठीक है वेरी गुड और कोई बच्चा √3 √2 यस √2 √3 और √5 और कोई नंबर बेटे 2/0 जीरो से डिवीजन डिफाइन नहीं होता बेटे ध्यान रखना दैट इज नॉट ए नंबर अगर अपॉन में जीरो है तो इट इज नॉट डिफाइन फिर उसका पता ही नहीं कौन है वो किस कैटेगरी में आएगा आज तक ही पता ही नहीं चला बताओ और बताओ देखो पाई आपने बताया एक सिंबल है ठीक है उसको अभी डिफाइन करेंगे पाई क्यों हम इरेशनल लेते हैं √2 √3 √5 ये सारे के सारे एक तरह से प्रॉपर रैशनल नंबर्स हैं ठीक है एक हमारे पास मिक्स रैशनल नंबर भी आते होंगे पता है आपको इरेशनल नंबर्स जिनमें जैसे मैं ऐसे लिख दूं अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या पता हो 3+√2 लिख सकता हूँ यस सर है ना यस सर 3/√2 है ना बेटे ऐसे ये वाले नंबर्स भी अच्छा कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि क्या डेसिमल में भी इरेशनल हो सकते हैं यस सर हो सकते हैं बताओ शाबाश एक एग्जांपल दो सर जैसे 0.1234 जहां पे कुछ रिपीट ना करे दोबारा वेरी गुड 1 2 3 4 5 ठीक है एंड सो ऑन एंड सो ऑन कंटिन्यू होना चाहिए टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग बेटे It does not terminate. अगर ये terminate हो गया after 100 digit भी तब भी ये irrational नहीं होगा. Then it will be a rational number. अभी हम सारों को define करेंगे, discuss करेंगे in details. बहुत अच्छे चलो अच्छा लगा आप सब बच्चों से बात करके कि आप लोगों को मालूम है माशाल्लाह. अब इन सब अब बताओ real number कौन बच्चा कह रहा था? Sir, collection of मतलब कि ये सारे number मिलकर real number बनाते. बहुत अच्छे बहुत अच्छे. Actually क्या है बेटे? अगर अब हम ऊपर नंबर से देखते हैं तो नाउ वी हैव ओनली टू कैटेगरीज यू हैव टू डिस्कस दिस इन योर चैप्टर देयर आर ओनली टू कैटेगरीज वन इज रैशनल एंड व्हाट इज इरेशनल ठीक है एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड रियल नंबर ये है बेटे पूरा रियल नंबर दोनों होते हैं वट एवर द नंबर एग्जिस्ट इन रियल लाइफ That is real number. अब real है, तो फिर हमने number line एक बनाया है. अब मैं आपको बता भी दूं why they are called real numbers. आप लोगों ने number line का नाम सुना है? Yes sir. We can represent these numbers, all these number on number line. तो अगर कोई really है, तो वो कहीं ना कहीं exist होना चाहिए. उसे कहीं ना कहीं आप show कर सकते हो. तो हम number line पे इन सारे numbers को show कर सकते हैं. Even irrational को भी कर सकते हैं. Even non-terminating and non-repeating decimal को भी कर सकते हैं. That's why they are called real numbers. They exist. Really they exist. तो हर चीज की बेटे अपनी एक मैं हमेशा यही कहता हूँ सब बच्चों को
कि हर चीज की बीते एक मीनिंग है, और स्पेशली जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उनकी अपनी में, अब नेचुरल हैं तो नेचुरल जो नंबर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जीरो एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में बेटे। कोई चीज है नहीं है तो उसका हमें क्या पता, नहीं है। कोई चीज है, अब वो कितनी है, वन है, टू है, थ्री है, नाउ मेनी क्वांटिटी, तो दैट इज नेचुरल। बट जीरो मेक देम होल, कंप्लीट बनाता है उन्हें, उस नंबर सिस्टम को उसने होल किया, एक कंप्लीट सेट बनाया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। इंटीजर्स दे आर समथिंग अपने आप में कंप्लीट, आइदर प्लस आइदर माइनस और जीरो। इंटीजर, इंटीजर आया टर्म इंटीग्रल से, पूरा पूरा। फ्रैक्शन आते ही यानी कि सम पार्शियल पार्ट, तो फ्रैक्शन आया तो उसे हमने रैशनल कहा, ठीक है। रैशनल का जस्ट अपोजिट रैशनल एंड द टोटल इज रियल। तो ये हमारी तो थोड़ी सी वो है। चलो इसको और थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, देखते हैं आप में से कौन क्या जानता है। कैन वी डिवाइड सम नेचुरल नंबर्स इन सम कैटेगरीज? आप क्या नेचुरल नंबर को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो? नेचुरल नंबर नहीं, आप लोगों ने, आप सबको मालूम है माशाल्लाह, मुझे पता है आपने बेटे ऑड नंबर्स पढ़े पढ़े ऑड नंबर, इवन नंबर्स, यस ऑड एंड इवन, यस आपने इवन नंबर्स पढ़े है ना, आपने पढ़ा तो है, बस थोड़ा थोड़ा सा डरते हो कि कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। डरना नहीं, आपने बेटे प्राइम नंबर्स पढ़ा, पढ़ा है ना? यस सर, प्राइम नंबर्स, यस गुड। आपने कंपोजिट नंबर्स, यस। अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा वन किस कैटेगरी में आता है? ऑड, सर ऑड, ऑड, ठीक है, वन ऑड में आता है, लेकिन प्राइम नंबर होता है या कंपोजिट नंबर होता है? प्राइम, सर प्राइम नंबर होता है, प्राइम, प्राइम, ध्यान रखना सर, अलग होता है, सबसे अलग होता है, वन किसी में नहीं आता, ठीक है बेटे, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, गुड। चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को पता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? किसी बच्चे को पता है? ये सब पढ़ेंगे आप टेंथ में माशाल्लाह, अब भी पढ़ेंगे, अब भी इनका यूज करेंगे, बट ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। बताओ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो भी समझ में आए बोलो, गलत सही डरो मत, बोलो क्या कह रहे सर? जिनके तीन सेक्टर्स होते हैं, जिनके रियल तीन सेक्टर्स होते हैं, नहीं वो तो कंपोजिट होते हैं। एक्चुअली ऐसे नंबर्स जो आपस में डिविजिबल नहीं होते किसी भी नंबर से, सर जैसे टू थ्री वन, टू थ्री, एक्चुअली हम को प्राइम नंबर्स मोस्टली हम यूज करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है सर? सिक्स में पढ़ाया जाता है थोड़ा सा, ये सब पढ़ चुके हैं, वही तो कह रहे हैं, बस उसी को फ्रेश कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा जब आप डिटेल में सारी चीजें जानते होंगे तो डरेंगे नहीं। एक्चुअली क्या होता है बेटे, जब हम फ्रैक्शन में लेते हैं ना, तो सपोज करो मैं लिख दूं 6/8 और मैं कह दूं ये रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे यस इट इज ए रैशनल नंबर। लेकिन मैं अब आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या ये बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो सर। नो, व्हाई? नो सर, व्हाई? बिकॉज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिकॉज़ दे आर डिविजिबल सर, बिकॉज़ दे आर डिविजिबल बाय द सेम नंबर, है ना? सेम नंबर, कोई भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, दे हैव सम कॉमन फैक्टर, ठीक है बेटे? तो अगर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर होता है, दे आर डिविजिबल बाय सम नंबर, तो फिर वो को प्राइम नहीं है। अगर डिविजिबल होने चाहिए तो ओनली बाय वन होने चाहिए, दे मस्ट हैव कॉमन फैक्टर ओनली वन। अब मैं अगर इसको कैंसिल कर दूं बेटे, तो ये आएगा 2 3 6 एंड 2 4 8, यस और नो? यस सर। अब बताओ क्या, अब बताइए क्या 3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस सर। नाउ नाउ वी कैन से 3 and 4 आर को प्राइम, ठीक है? तो 3 और 4 को प्राइम, तो को प्राइम कोई स्पेशल नंबर नहीं है, वो रखने के बाद, पोजीशन में रखने के बाद पता चलता है। मतलब जैसा मैं आपसे कहूं कि भाई 2 के साथ कौन को प्राइम हो सकता है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है, 2 के साथ 7 हो सकता है, 2 के साथ 11 हो सकता है, 2 के साथ 9 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊपर और नीचे आप कैंसिल नहीं कर सकते, तो दे आर सो मेनी पेयर्स विद 2। तो ऐसे नंबर्स जिनमें आप किसी से भी डिवाइड, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो,
ऊपर नीचे वो सिर्फ वन से डिवाइड हो सकते हैं. दे आर कॉल्ड कूपन. तो दीज आर द कैटेगराइजेशन. अब चलो एक चीज और बताऊं आपको. हमने क्या कहा, दीज आर अवर रियल नंबर्स. अब आप पढ़ेंगे बेटे इंशाल्लाह 11th में अगर आपने मैथ्स लिया, इमेजिनरी नंबर्स. कैसे नंबर्स, नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है. हमारे पास क्या आएंगे बेटे, अभी हम कह रहे हैं रियल. ये जो हमने पढ़ा, दीज आर रियल नंबर्स, हम क्या पढ़ेंगे, इमेजिनरी. और बस एक लाइन लिख के फिर इससे आगे बढ़ते हैं, सिर्फ आपको एक क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, थोड़ा सा बताने के लिए कि आपको पता होगा अच्छा ये भी चीज आएगी आगे. आपने क्या पढ़ा बेटे, रूट टू माइनस में हो सकता है बाहर से, बट ऐसा रूट जिसमें अंदर से माइनस हो तो उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स. और इन दोनों को मिला के, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स बना के, कंप्लीट नंबर सिस्टम बनेगा बेटे, जिसको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे आगे. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर आपने इंग्लिश में कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सुना हो, है ना, कंबाइंड सेंटेंस, टू सिंपल सेंटेंस को मिला के जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं लाइक दिस, तो इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल विद इमेजिनरी नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स. तो खैर ये हम पढ़ेंगे, चलो आओ. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है बेटे जो आपने अभी हमें बताया, रैशनल नंबर. बताइए कौन बच्चा डिफाइन कर रहा था, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी एक बच्चे ने. नंबर दैट कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू 0. वेरी गुड. दोज आर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. ऐसे कह रहे ना आप, द नंबर्स दोज आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. दोज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, व्हाटएवर यू कैन राइट, where p and q are integers, ठीक है, and q never be zero. That is our definition rational numbers. तो जिनको भी आप p by q की form में लिख देंगे, जिनको भी आप fraction में लिख देंगे, वो अपने आप rational बन जाएंगे. और जिनको आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल बनेंगे, बाद में सोचेंगे. तो आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सिर्फ इतनी डेफिनेशन के ऊपर ही, दोज आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट जीरो आर रैशनल नंबर्स. आपके पास ये छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है. दो पूछिए. ये वो मतलब पाई इज इक्वल टू 22 बाय 7, तो वो एक रैशनल नंबर तो हुआ ना, क्योंकि वो 22 बाय 7 है उसकी. देखिए सब बच्चे ध्यान से देखिए, एक्चुअली क्या है, हमने कहा बेटे कि दोज आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट जीरो आर रैशनल नंबर्स. लेकिन हम क्या कहते हैं, पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर. ठीक है मित्र, पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये हमारे पास. अब आप क्या कह रहे हो, सर पाई को हम 22 बाई 7 लिखते हैं, एंड ध्यान रखना 22 बाई 7 इज रैशनल. जब भी अगर आपसे पूछे 22 बाई 7 इज रैशनल, आप लिख दिए यस, और जब आपसे पूछे पाई इज रैशनल, नो. तो ये आपको ध्यान रखना है. अब सुनिए इसका आंसर क्या है बेटे. बेटे इसका आंसर है पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22 बाय 7. 3.14 नहीं, 3.14 भी नहीं, ये भी लिख लो. चलो इज नॉट 3.14. अगर 3.14 लिखा हुआ गया, दैट इज आल्सो रैशनल. ठीक है बेटे, पाई इज एप्रोक्सीमेट 22 बाय 7 and approximate to 3.14. ये ध्यान रखना बेटे. Is not equals to, is nearest to. तो ये equal नहीं है. अगर उसने कभी लिख के दे दिया pi is equals to 22 by 7, बताओ is equals to लगा के दे दिया, तो आप कह देना rational. अगर pi अलग पूछता है तो irrational, 22 by 7 अलग पूछता है तो rational, 3.14 अलग पूछता है तो rational.
ध्यान रहेगा बेटे, पाई इन इटसेल्फ इज इरेशनल. एक्चुअली क्या है, ये 3.14 नहीं होता है, इसकी तो ये पता ही नहीं चला कहां तक, क्योंकि इट इज नॉट 3.14235729 लाइक दिस. इस तरह से वैल्यू आएगी, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल. दैट इज अवर पाई एक्चुअली 3.14235 समथिंग. तो ये हमारा पाई है, एक सेकंड में दिखाता हूं आपको. ये देखो बेटे, अप टू 100 डेसिमल प्लेसेस, कितने प्लेसेस, 100 प्लेसेस में है बताइए. आप सोचिए, कहीं रिपीटेशन नहीं होता है, कहीं टर्मिनेट नहीं होता है, आगे पता नहीं जहां तक चले जाएगी. तो ये है इस वजह से. और पाई इज जस्ट अ सिंबल, पाई अपने आप में कुछ नहीं है. पाई इज 3.14 को पाई कहते हैं, मतलब एक सिंबल है. कोई बताएगा व्हाट इज पाई एक्चुअली, ये 3.14 तो उसकी वैल्यू पाई है क्या, कोई बताएगा? सिंबल, किस चीज का सिंबल, पाई आया कहां से, ये बताओ व्हाट इज पाई. पाई है बेटे रेशियो, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल. हर एक सर्किल में छोटा लीजिए बड़ा लीजिए, उसके सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो फिक्स है, एंड दैट इज पाई. बट उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो जो वैल्यू आएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी. सर्कमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, यहां से आता है पाई. आया समझ में, ठीक है बेटे. हर सर्किल में, इन ईच एंड एवरी सर्किल द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज फिक्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, कि भाई वो इतना ही आना है, एंड दैट इज इक्वल टू 3.14 समथिंग जो आ रहा है. फिर उसका नाम दिया गया पाई, किसको पाई कह दे, उसके लिए सिंबल यूज किया गया. चलो खैर छोड़ो, फिलहाल हम एक छोटी सी डेफिनेशन जो आप बच्चों ने बताई, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, where p and q are integers and q is never be zero is called rational number. और हमारे पास छोटे से questions दिए हुए हैं, बहुत ही simple simple से. Yes, ये हमारे पास एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपने किए होंगे. पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं. सब बच्चे प्लीज एक्टिवली पार्ट लेंगे क्लास में, कोई भी शार्प नहीं है, कोई भी स्लो नहीं है. आप सबको सब कुछ आता है माशाल्लाह, बस उसको अपने आप को निकालना है उसको. आइए देखिए, ये हमारे पास छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं.
आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछता है जीरो ए रैशनल नंबर? यस सर। यस सर। रीजन? क्या क्या उनसे पूछो क्या आप क्या कह रहे हैं नहीं वहां देखिए जी बेटे आपसे क्या कह रहा है जीरो मेरी क्लास 8 बजे तक है अभी मैं फ्री नहीं हूँ जीरो रैशनल नंबर ठीक है जीरो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और सबसे अच्छी बात है बेटे जीरो में अपॉन कुछ भी लिख सकते हैं आप ठीक है बट क्योंकि कंडीशन है क्यू इज नॉट जीरो तो अपॉन में जीरो नहीं लिख सकते बस ये ध्यान रखना है बाकी आप अपॉन में कुछ भी लिख सकते हैं जीरो बाय फाइव लिख दीजिए जीरो बाय वन लिख दीजिए तो ये हमारे पास है ओके गुड अब ये हमारे पास आता है और हम यहां से इसको स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ इस एक्सरसाइज में यही एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग टाइप्स के इसपे क्वेश्चन बन सकते हैं फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4 मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूँ मुझे आप ये बताइए सब बच्चे हाउ मैनी ध्यान से बेटे हाउ मैनी चलो रियल नंबर्स ही लिख लेते हैं हाउ मैनी रियल नंबर्स आर देयर बिटवीन ठीक है टू रियल नंबर इन्फिनिटी वेरी गुड आप कह रहे हैं अब इस पे बेटे हर जगह क्वेश्चन बन सकता है ध्यान से सुन लीजिए सब बच्चे आपसे क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि एमसीक्यूज बन सकते हैं तो कुछ भी बन सकता है आपके पास यहाँ रियल नंबर ना लिख के आपसे कहते हैं हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स बताओ जहां रियल आया है वहां नेचुरल रख दीजिए हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन जहां रियल आया है वहां नेचुरल रख दीजिए बताइए दो नेचुरल नंबर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं कोई बताएगा कितना सोचते हो आप लोग एकदम से खामोश हो जाते हैं ये तो बेटे वो क्वेश्चंस होते हैं कि आप खुद सोच लो कि भाई मेरे पास एक नेचुरल नंबर 1 है और एक 2 है तो बताओ इनके बीच में कितने नंबर्स हैं 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं इज देयर एग्जिस्ट कोई से भी हो सकते हैं अच्छा अगर मैं नेचुरल नंबर्स की जगह होल नंबर्स करूं तो क्या होगा कि भाई बिटवीन टू होल नंबर्स How many whole numbers are there between two whole numbers? तब भी तो बेटे यही बात होगी। नहीं करेगा। आप देखिए again no exist. ठीक है between integers? Between integers? फिर चुप हो जाते हो। कोई exist नहीं करेगा। ठीक है because वो consecutive होते ही कुछ भी नहीं आएगा। हाँ अब यहाँ से आएगा between rational numbers? इन्फिनिटी यहां से आता है बिटवीन इरेशनल नंबर्स इन्फिनिटी बिटवीन रियल नंबर्स इन्फिनिटी तो यहां आते हैं इन्फिनिटी तो यही तो पूछना जा रहे थे आपसे आप डर जाते हो खामोश हो जाते हो ठीक है अब हमारे पास आता है रैशनल तो पहले तो ऐसे ही देखते हैं कि रैशनल की बात क्या होती है मैं आपसे कहूं आप कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए बेटे कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी एक तो वैसे ही जनरली बात कर रहे हैं हमने कहा सपोज करो 1/2 या चलो जो हमने क्वेश्चन लिया वही ले लेते हैं जो हमारे पास अभी क्वेश्चन था उसी की बात कर लो
ये हमारे पास है, फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करें, तो एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास 3 है, अभी करेंगे जैसे प्रॉपरली आप क्या एनसीईआरटी में कर रहा है वो तो अभी हम करेंगे, लेकिन हम फिलहाल ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं. एक 3 है हमारे पास और एक 4 है, और आपसे कह रहा है 6 नेचुरल नंबर्स बताओ. क्या बेटे मैं 3 को 3.0 लिख दूं? नो सर, वो तो 3 ही हो जाएगा. सर 3 रहेगा. लिख सकता हूं ना या नहीं? सर लिख सकते हैं. यस सर लिख सकते हैं. वेरी गुड. एंड 4 को 4.0? यस सर. यस सर. ठीक है, अब क्या मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 3 को 3 और 4 के बीच में, ये हो गया मेरा एक तरह से, मैं आपको कह रहा हूँ 30, और ये मेरा हो गया 40. तो क्या मैं 30 और 40 के बीच में कुछ नंबर्स लिख सकता हूँ? यस सर. 3.1. अभी ऐसे ही रफली समझ रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यूज आ सकते हैं तो वहां हमें ऐसे ही आंसर देना है, और हमें चाहिए भी इसी तरह से फ्लो में. और जब हमें ये समझ में आएगा तो वो जो हम करेंगे प्रोसेस वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 एंड सो ऑन. जितने भी नंबर्स आप इंसर्ट करने चाहें आप कर सकते हैं. यस और नो? यस सर. 30 से 40 के बीच में, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 100 नंबर इंसर्ट करूं. हाउ आई कैन डू दिस? और जीरो लगा दूंगा. वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटे. अगर मैं इसको 3.00 कंसीडर कर लूं और इसको 4.00 कंसीडर कर लूं, तो नाउ इट बिकम्स 300 to 400. Now I can place 99 numbers. Yes or no? Yes sir. अगर मैं इसको 3000, अगर बेटे मैं इसको 3000-4000 कर दूं तो 999. That's why. So that is the process and that is the reason, because there are infinite real numbers between two real numbers. Yeah, infinite rational numbers between two rational numbers. आगे समझ में? अगर कोई आपसे पूछे, आपसे कोई पूछे बेटे कि कैसे होंगे infinite? So now you can explain, ठीक है, कि हम जितने चाहे numbers कर सकते हैं. तो पहली चीज तो ये समझिए. अब दूसरी चीज समझिए, actually क्या है, हम जितने भी numbers हों उन सबको decimal में लिख सकते हैं. आपसे कहने लगे नहीं सर हमें तो ये बताओ कि सर 1/2 और 1/3 के बीच में बताओ भाई 6 rational numbers. ठीक है, MBA में आता है ये question, पता है आपको, जामिया MBA में. और MBA का एग्जाम कौन देते हैं बच्चे? है भाई, कौन सी क्लास के बाद दिया जाता है? 12th के भी बाद, ग्रेजुएशन के बाद, बीटेक करके, बीएससी करके, लॉ करके, तब बच्चे करते. अब सोचो कितना लेवल हो जाता है, और बच्चों को भी होता नहीं. माशाल्लाह आप सीख रहे हो. अब बताओ मुझे, मुझे 6 रैशनल नंबर्स करने, द प्रोसेस जैसे आपके एनसीईआरटी होता है अभी करेंगे, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ. क्या मैं 1/2 को 0.5 लिख सकता हूँ बेटे? Yes sir. Yes sir. 1/3 को डेसिमल बताओ क्या आ सकता है? 1/3 का डेसिमल क्या होगा बेटे? अगर आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे तो जीरो आएगा, है ना? 3 3 = 9 आएगा, ये करोगे ना? Yes. है ना? फिर 1 आएगा, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 = 9, तो समथिंग ये आएगा. तो आएगा क्या? 0.3 बार, है ना? तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक 0.5 है और एक 0.3 बार है. 3 बार को भी अगर आप अलग से करना चाहो, नहीं सर 3 3 3 3 है, ठीक है चलो मान लिया. तो अब हम इसको कह रहे हैं, अब इनके बीच में 6 नंबर्स बताओ. तो क्या हम बता सकते हैं ऐसे डेसिमल में 0.5 और 0.33 के बीच में? बोलिए, शाबाश. मैं इसको इधर लिख देता हूँ जिससे कि आपको असेंडिंग ऑर्डर ध्यान रहे, और इसको इधर लिख देता हूँ. तो 0.33 और 0.5 के बीच में कोई नंबर्स, आपको अगर इधर 2 डिजिट लग रहा है तो इधर भी 3 डिजिट कर देता हूं मैं. तो कोई नंबर आप बताना चाहोगे? 0.34. हाँ, 0.34, यस ले सकते हैं, वेरी गुड. और कोई बच्चा बताएगा? सर 0.44. 0.4 ले सकते हैं, बिल्कुल. 0.41 ले सकते हैं, 42 ले सकते हैं, ले सकते हैं ना? 4, 5. Yes, so many numbers. आया समझ में? तो अगर आपको कभी भी इस तरह से दे दे, MCQs में पूछ दे, तो the सबसे simplest part जो होता है बेटे, वो होता है just change the number into decimal and put them. ये हमारे पास है. चलो, ये तो हमारे पास है.
बट हमारा एनसीईआरटी क्या कह रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, सब बच्चे ध्यान से देखो कि ये था हमारे पास 3 और ये था हमारे पास 4, ठीक है। अब आपके पास दो तरह के नंबर्स आएंगे। अगर मैं अब आपकी एनसीईआरटी की बात करूं, नाउ वी हैव 2 टाइप्स क्वेश्चन टू इंसर्ट सम रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर किस तरह के होंगे, ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आएंगे टाइप 1, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए। टाइप 1 वो होंगे व्हेन डेनोमिनेटर इज सेम, डेनोमिनेटर इज सेम। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटे, मेरे पास क्या है 3 है और मेरे पास क्या है 4 है, तो क्या यहाँ पे डेनोमिनेटर 1 है? यस सर। और यहाँ पे भी डेनोमिनेटर क्या है? 1। तो ये हमारे पास है। अब आपको क्या करना है, आपको जितना भी नंबर दिया हुआ है, हमें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 6। तो 6+1, तो 6+1 7 से मल्टीप्लाई करिए, 6+1 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है क्योंकि फ्रैक्शन सेम रहना चाहिए। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, टू फ्रैक्शन, ईच फ्रैक्शन, बस इतना सा करना है। तो एक तो हमारे पास क्वेश्चन यही आएगा जिसमें हमारे पास डेनोमिनेटर सेम होंगे, अभी आगे भी देखेंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास था बेटे 3/1, हमने 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, एंड हमारे पास क्या है 4/1, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। बताओ 3 7 जा 21/7, एंड 7 4 जा 28। अब प्लीज आप सब बच्चे ध्यान से देखो, मुझे बताओ 21/7 क्या होता है? 3। यस, और 28/7 क्या होता है? 4। बेसिकली हमने अपना नंबर चेंज नहीं करा है, उसकी शक्ल चेंज कर दी। जैसे हमने वहां पे 3.0 4.0 लिख दिया था, बट नंबर की वैल्यू रिमेन सेम। आपने कहा सर ये तो दोनों सेम होते हैं, सेम वे 21/7 इज आल्सो 3 एंड 28/7 इज आल्सो 4। बट अब हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि 21 से लेके 28 तक कुछ गैप होता है ना? Yes, sir. क्या गैप होता है भाई? उतना ही आएगा जितना हमें चाहिए था। हम कर सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, और एग्जैक्ट 6 ही नंबर आएंगे अब, 27/7। तो बेटे पहला तो हमारे पास यही क्वेश्चन है जिसमें आपको रैशनल नंबर इंसर्ट करना होगा जिसमें डेनोमिनेटर सेम होगा। बेटे न्यूमरेटर डिफरेंट हो सकता है बट डेनोमिनेटर सेम होगा, और उसमें कुछ नहीं करना, जितना नंबर दिया है उसमें प्लस 1 करके आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और अपने आप आ जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन सेम बिल्कुल, एक मिनट आप करो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। सारे बच्चे कॉपी पेन अगर आपके पास है प्लीज, तो आप सब बच्चे स्टार्ट करो। नाउ वी हैव डेनोमिनेटर एज 5, सेम क्वेश्चन है, वी हैव टू इंसर्ट 5 नंबर्स। So we will multiply and divide by 5 plus 1 6. कोशिश करो सब बच्चे, शाबाश, very good, 3/5 and 4/5. So we have to multiply by 6, multiply and divide by 6 to each number. कोशिश करो सब बच्चे, अब आप लिखो आगे, फिर हम करेंगे when we have denominator different. फिर हम वो इंसर्ट करेंगे। सर डन। वेरी नाइस बेटे, शाबाश। सर हो गया। बहुत अच्छे। सर डन। गुड, वेरी गुड। और बच्चे, 3 बच्चों की आवाज आई बस मुझे भी। हो गया सर। वेरी गुड। 4, 2 और रह रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करना था, we have 3/5 multiply by 6 and 6, we have 4/5 multiply by 6 and 6, so we have 3 6 18 by 30, and we have 24/30, so insert these numbers, 5 numbers, so 19/30, 20/30, 21/30, 22/23.
तो वी दीज आर फाइव नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स. यस, पहले हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक करते हैं, तो आज जिससे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर हो जाए और कुछ आगे डिस्कस हो जाए. यस, ये हमारे पास है बेटे. State whether the following statements are true or false. Give reason for your answers. First part, ये हम कर चुके शायद. आपसे कह रहा every natural number is a whole number. Yes or no? Yes sir. Yes sir. True. Yes, true. ठीक है? Every integer is a whole number. Yes sir. True. Every integer is a whole number. Every integer. अगर बेटे ये sir false. False sir, not. उस तरह के क्वेश्चन है जिसमें आप एग्जाम्पल लेके सोच सकते हो कि क्या ये सही है. मैं कहने लगू माइनस फाइव इज अ होल नंबर. नो सर. ट्रू? नो, इट्स फॉल्स. गुड, फॉल्स. एंड एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. फॉल्स. चलो, आपकी एक्सरसाइज ओवर हो गई. अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं. हम क्या कह रहे हैं, टाइप टू क्वेश्चन. तो जो हम कह देते हैं कि सर ये तो आर डी शर्मा आ गया. सपोज वी हैव डिफरेंट डेनोमिनेटर 1/3 एंड 1/4. तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना है कि हमारा जो डेनोमिनेटर है वो डिफरेंट है. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है. आपसे कह रहा, मान लो यहां कह रहा है इंसर्ट सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन देम. ठीक है बेटे, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन बाद में हम करेंगे. हम पहले ये करेंगे कि हमें पहले डेनोमिनेटर को ही सेम करना है. किसको सेम करना है? डिनोमिनेटर को. ठीक है, बाद में सोचेंगे फिर क्या करना है. तो हमारे पास क्या है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, तो एलसीएम ले लीजिए. थ्री और फोर का एलसीएम 12. तो 12 करने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से. 4 से. और 4 को किससे करूं? 3 से. वेरी नाइस. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/12, और आपके पास क्या आएगा, 3/12. आगे समझ में? ठीक है बेटे. यस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. लेकिन समटाइम क्या होगा बेटे, अगर सेम नंबर्स होंगे उनका एलसीएम कम आएगा. तो खैर, हमारे पास ये हो गया. अब हमें क्या होता है, कभी कभी तो क्या होता है कि बीच में गैप मिल जाता है. जैसे ही हम इक्वल करेंगे तो वी गेट सम गैप. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप नहीं, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो कोई गैप ही नहीं आया अभी. हाँ, बस फायदा ये हो गया कि नीचे वाला नंबर सेम आ गया. अब वही रूल पहले वाला, नंबर्स कितने इंसर्ट करने हैं सर? 6. तो 6+1 क्या करें? 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड. यस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7. तो अब आपके पास क्या आएगा, 3/12 into 7, and sorry, चलो 3 को इधर लिख लिया, चलो ठीक रहेगा. 4/12 into 7, तो 3 7 जा 21, 12 7 जा 24, 4 7 जा 28. Yes, तो अब हमारे पास कितने numbers हैं, 22/84, 23/84, 24/84, 25/84, 26/84 and 27/84. Yes or no? Yes sir. Yes sir. तो ये आपके पास. तो that's it. तो ये था आपका first section, first part, जिसे हम कह सकते हैं कि inserting some rational number between two given rational numbers. ठीक है बेटे? Yes. कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes sir. ठीक yes, है sir. तो ये हमारा जो हमने लिखा है ये सब सेव है, हम आपको भी ग्रुप में डाल देंगे. जो हमने पढ़ाया है वो सब सेव है, तो उसकी वीडियो भी डाल देंगे. आपको कहीं पे कुछ लग रहा है कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया, तो आप उस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, YouTube चैनल है स्टडी पॉइंट का मेरा, तो आप उस पर देख सकते हैं. मैं इस वीडियो को उसी पर अपलोड करूंगा. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अगर उन्हें कुछ फ़ायदा हो उसका. वो फ्री ऑफ कॉस्ट की है वीडियो मेरी YouTube चैनल, तो आप उस पे जाके स्टडी पॉइंट देख सकते हैं. YouTube चैनल स्टडी पॉइंट, और स्टडी पॉइंट के नाम से बहुत सारे चैनल मिलेंगे, तो उसमें मेरा नाम लिख देंगे तो फिर मेरा ही वीडियो चैनल खुलेगा. अभी वैसे मैं लिंक भेजूंगा तो वो आपको मिल जाएगा.
तो अभी जो हम क्लासेस कर रहे हैं ये 5 days ए वीक हैं, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा एंड 2 hours डेली क्लास होगा, डेली मैथ्स डेली साइंस, क्योंकि बहुत लेट सेशन स्टार्ट हो रहा है बेटे, अगस्त भी चला ही गया है समझिए, 24th हो गई है, तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, चाहे भले ही एग्जाम में सिलेबस कम आए बेटे बट हमें नॉलेज के लिए पढ़ना सारा है, ठीक है, हमें स्किप नहीं करना है क्योंकि ये सारे ही टॉपिक्स, ये सारा ही सिलेबस आपका आगे जाके कॉम्पिटिशन में आना है, तो जिस भी बच्चे का इंटरेस्ट आगे पढ़ने का है, आगे कॉम्पिटिशन का है, क्योंकि अभी एग्जाम CBSE ने भी कह दिया है और जामिया भी कह देगा कि अब ये वाले चैप्टर नहीं आएंगे, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, तो ठीक है एग्जाम में नहीं आएगा बट एंट्रेंस में आगे आएंगे, तो वी नीड ऑल द डिटेल्स, तो इसलिए हमें पढ़ना सारा है, तो टाइम कम है तो ज़्यादा क्लासेस, हाँ ये हो सकता है इन द लॉन्ग वे कि हम बीच में वीकडेज को ऑफ करके सैटरडे संडे को यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि स्कूल भी आपका डेली चलेगा और क्लास भी डेली, तो आप थक जाएंगे, तो हम ये कर सकते हैं कि बीच बीच में हमने जैसा मंडे ट्यूसडे कर लिया तो वेडनेसडे ऑफ कर दिया, थर्सडे फ्राइडे कर दिया तो एक सैटरडे ऑफ कर दिया, संडे में थोड़ा लंबा क्लास ले लिया, वी कैन डू दिस एज पर प्लान जैसे बच्चों से बात होगी, बट फिलहाल हम कंटिन्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह कल भी आपकी क्लास 4 बजे इंशाल्लाह मैथ्स की होगी, ठीक है बेटे, अभी आपको साइंस का लिंक आएगा, तो अगर आप थके नहीं होंगे तो साइंस ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, आवाज आ रही है, ऑल द बेस्ट, चलिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम. Allah.